Yes, good afternoon everyone. Myself Akash Sharma, the managing director of Mother's Pride Academy, Jaipur, Rajasthan. बच्चों आप सभी के लिए राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून RIMC दिसंबर 2021 के मैथमेटिक्स का सोल्यूशन लेके आज हम लोग आपके लिए आए हैं. सबसे पहले मदर्स प्राइड के ऊपर ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ठीक है. तो जैसा कि मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी को शॉर्ट ब्रीफ के अंदर एक पेपर बता दिया जाएगा. अभी इसका जो पूरा डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन है वो हमारे मोहन सर लेके आएंगे आज इवनिंग के अंदर. उससे पहले लेकिन आप सभी को आंसर बता दिए जा रहे हैं. जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है बच्चों अभी, ठीक है. फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बेसिकली अपने को गिवन है, व्हाट इज़ को प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर टू राइट टू पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स. इट्स वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन बच्चों. आप अपन सभी को पता है नंबर्स हुज HCF इज़ 1 एंड डिफरेंस इज 2, करेक्ट. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर. और एग्जांपल्स जैसे अपन 3/5 एंड 5.7 और 3.5, ये बेसिकली आपके दो नंबर्स हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन अपन बाद में करेंगे. मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मैं खाली डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ इसका, ठीक है. जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा बच्चों -1. थर्ड जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसको अरेंज करना है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर. तो कैसे अरेंज करोगे, 7/8, 6/7 एंड 5/6, ठीक है बच्चों. इसके बाद आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी थी आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है. इसका आंसर आएगा 322, फाइन. फिफ्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है बेसिकली बच्चों क्लियर, इसका आंसर आपके आएगा 3/2. इसके बाद में आपके पास में गिवन है यहाँ पे, नकुल स्टार्टेड हिज जर्नी टू स्कूल बाय स्कूटर एट 9 AM एंड रीचेज हिज स्कूल 1 PM, करेक्ट. मतलब नकुल जो है वो अपना 9 AM पे निकलता है और 1 AM पे पहुँचता है, 1 PM पे. इफ़ यू ड्राइव द स्कूटर एट 30 km/h, अगर वो 30 km/h की स्पीड से स्कूटर चलाता है तो बाय हाउ मच शुड आई इंक्रीज द स्पीड ऑफ द स्कूटर सो दैट ही कैन रीच द स्कूल बाय 12 noon, करेक्ट. पहले वो 1 बजे स्कूल पहुंच रहा था बच्चा 9 बजे निकल के, और अगर वो 30 km स्पीड से चलता है तो वो 12 बजे कितनी देर में वहाँ पे पहुंच जाएगा और कितनी स्पीड से उसको चलना पड़ेगा बेसिकली अपने, करेक्ट. तो वो स्पीड क्या रही बच्चों आपकी, 10 km/h, फाइन. इसके बाद में हम लोग देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन. ये बेसिकली आपका NCERT का क्वेश्चन है सेवन्थ जो है, और आपका सैनिक स्कूल 9th class की बुक में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है बच्चों, एज इट इज़, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, फाइन. जैसा कि हमने सभी को भी बताया था कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा NCERT सॉल्व करो और सैनिक स्कूल 9th class की किताब सॉल्व करो, आपके पेपर ज़रूर मिलेगा. वैसा है इसके अंदर, देख सकते हैं बच्चा. एग्जाम्पल क्या है, लक्ष्मी इज़ कैशियर इन अ बैंक, एक लक्ष्मी नाम की लड़की है, क्वेश्चन नंबर 7th कर रहे हैं, जो कैशियर है बैंक में. शी हैज़ करेंसी नोट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, मतलब डीमोनेटाइजेशन के उसके उसमें करेंसी नोट्स हैं 100 के, 50 के और 10 के, और उनको रेशो में दिया हुआ है आपको 2:3:5, और टोटल कैश लक्ष्मी के पास में बच्चों 4 lakh अवेलेबल है, फाइन. तो अब क्वेश्चन में ये पूछा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डीमोनेटाइजेशन डज शी हैव, मतलब हर करेंसी के उसके डीमोनेटाइजेशन के कितने नोट्स अवेलेबल है. तो आप हमारा आंसर देख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा बच्चों बेसिकली इसके पास में जो है 2000 के 100 नोट्स होंगे, 3000 के 50 नोट्स होंगे और 2000 नोट्स होंगे अपने 100 के, 50 नोट्स होंगे 3000 और 10 rupees के नोट्स होंगे 5000, करेक्ट. तो आप सब मल्टीप्लाई भी करके दे सकते हैं, 2000 नोट से 100 के मतलब 2 lakh rupees, 3000 नोट से 50 के, ठीक है, मतलब 1.5 lakh, और 5000 नोट है 10 के मतलब 50,000. तो टोटल आपका ये अमाउंट है 4 lakh हो जाता है बच्चों, क्लियर. इसी अकॉर्डिंग अब हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, क्लियर. तो 8 का जो इसका आंसर होगा मैं बता रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, हमें खाली आंसर देखना है ताकि आप अपना चेक कर सकें. 504 सेकेंड इसका आंसर आएगा बच्चों, ठीक है. 9th जो है बेसिकली आपका बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर. तो इसके अंदर स्ट्रीम जो है बेसिकली 3/boat आएगा, इसका आंसर 3 आएगा, और जो बोट की स्पीड है वो 8 km/h आएगी बच्चों इसके अंदर, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास में 10th क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन अ बॉक्स, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हो. 17 इसका आंसर आएगा बच्चा, कैसे आएगा, 8 3 = 24, करेक्ट. 24 आ गया, 24 में से 3 लेस करो 21 आ जाएगा आपके पास में. 6 5 = 30, 5 लेस करो 25 आ जाएगा, क्लियर. और अपना जो है 12 2 = 24, 24 में से 7 लेस करो तो कितना आ जाएगा 17, क्या रेशो चला, ऊपर 21 है नीचे 25 है, और नीचे क्या आ गया बेसिकली आपके पास में, मतलब यहाँ पे आपका ये 21 मत देख के चलो बच्चों, यहाँ पे देखो पहले 3 लेस किया फिर 5 किया, तो अब क्या करोगे 7 लेस करोगे, फाइन. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट नंबर शुड बी रिप्लेस्ड इन द क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर होगा बच्चा 217,
ट्वेल्थ का आंसर आपका आएगा 11.9% बच्चा, ठीक है। और जो 13 क्वेश्चन है इसको हम लोग आपके मोहन सर सॉल्व करवाएंगे, क्लियर। 14th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट आपको दे रखा है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सिलेंडर इज 2:2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 5:3, इसका आंसर रहेगा 20/27। 16th क्वेश्चन का आंसर होगा 417.5 रुपीज़ बच्चा। 17th का आंसर होगा आपके पास में 962, ठीक है। और 18th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सिंपल है बच्चों, वैल्यू को डेप्रिशिएट करना है मशीन की खाली 2 साल के लिए। करंट वैल्यू उसकी 50,000 दे रखी है, फर्स्ट ईयर में 10,000 करोगे मतलब 5,000 लेस हो जाएगा, करंट वैल्यू बचेगी इसकी 45,000, ठीक है। फिर 45,000 का 10% यानी 4,500, तो आंसर क्या हो गया आपका 40,500। तो ये आपका 18 का हो गया। 19 का इसका आंसर होगा 2,346 मीटर स्क्वायर। 20 भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 25, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में क्वेश्चन नंबर, देखना ये आ जाएगा 21 का इसका आंसर आपको इधर लिखा है बच्चा 23% इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेलिंग में। 22 का आंसर इसका आएगा बच्चा आपका 4,863.94 रुपीज़, ठीक है। 23 का आंसर आएगा √231। 24 का आंसर आएगा बच्चों 30 मिनट्स, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है उसकी बात कर रहे हैं, उसका 231 रूट में, 24 का आएगा 30 मिनट। 25 की अगर हम लोग बात करें तो इसका टोटल आंसर होगा बच्चा 2 लाख रुपीज़, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास में, ओम स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2,50,000, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का, इसका आएगा 73,400 रुपीज़ का बच्चों, इसको नेट प्रॉफिट होगा इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 27 की, इफ 7 मैन वर्किंग 6 आवर्स अ डे बाय 12 डेज, ठीक है। इसका आंसर है बच्चों आपका 21। 28 का आंसर आपकी मोबाइल स्क्रीन पे और पूरा एलैबोरेट वे के अंदर आपको मोहन सर क्लियर करेंगे इसको। इसके बाद में दे रखा है बच्चा आपको 29 का आंसर भी मोहन सर आपको बताएंगे। एंड जो क्वेश्चन नंबर 30 है बेटे, ठीक है, 30 का आएगा आंसर 1। होप यू ऑल अंडरस्टैंड, और आप सभी जल्दी से जल्दी अपने पेपर्स को चेक कर सकें इसलिए बनाया गया है। जल्दी मदर्स फ्राइड अकेडमी की पूरी टीम मोहन सर के साथ में हम इसका जो है सॉल्यूशन भी लेके आएंगे आज शाम तक, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप आप सभी ने बेस्ट किया हो, ठीक है। हम सभी से होप करते हैं कि सभी का पेपर बेस्ट टू बेस्ट हुआ, और अपने रिमेनिंग 2 पेपर से उनको भी आप अपना बेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच। और हमारे नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं जनवरी के अंदर, ऑफलाइन क्लासेस के लिए और ऑनलाइन क्लासेस दोनों के लिए आफ्टर सैनिक स्कूल एग्जाम। तो आप जब चाहें हमारा इंस्टीट्यूशन आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को पार्ट बना सकते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC का। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।